मैंने उसके शौहर को ही नहीं बल्कि दो खानदानों को बर्बाद किया है। बेवा माँ ने किस तरह से अपनी दो बेटियों के जनाजे उठाए होंगे। आया बेटा, अगर तुमने FIR वापस नहीं की तो पुलिस शाहजेब को भी पकड़ के ले जाएगी और वो पागल हो जाएगी। शकीला, साइमा, कितने अरमानों से अम्मी अबू ने तुम दोनों को यहाँ दुल्हन बनाकर भेजा था। खूब लाज निभाई उनके कॉल की कि यहां से तुम्हारे जनासे निकलेंगे। हया जी, वो मुझे जासिब से मिलना था आंटी। जाओ अपने कमरे में, जाके अपनी आंखों से देख लो एक सिंदलाश कैसी होती है, गम से निडाल बच्चा कैसे कातर हो सकता है। जाओ आंटी, प्लीज आप खुद को संभालिए, मुझसे मिलो। तुमने मौत को गले लगाकर अपनी वफा का यकीन तो दिला दिया। काश तुम एक बार आकर देखती तो सही कि मैं जिंदा लाश बनकर रह गया। जाज़ेब, आप खुश तो हैं ना? बहुत खुश, क्योंकि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो दी। इसका मतलब है कि मैं आपकी खुशी नहीं। नहीं, तुम तो वो खुशी हो जिसने मुझे ये खुशी दी है। थैंक यू। बल्कि थैंक यू तो मुझे आपका कहना चाहिए जाज़ेब। इस घर, इस कमरे में दफन होकर रह गया, जिंदा दफन हो गया हूं मैं यहां पर। जाज़ेब, तुम्हारी तो बहुत बात मानती थी ना, वो हर बात मानती थी। प्लीज प्लीज तुम उसे मनाकर वापस ले आओ, प्लीज ले आओ। कहां से मना के वापस ले? काश जहां से तुमने शकीला पे शक ना किया होता। काश साइमा ने कभी उसे अपनी बहन भी समझा होता तो आज तुम्हारी आंखों से ये बहते हुए आंसू पछतावे ना बनते। देखो बस सिर्फ एक दफा ले आओ, प्लीज एक दफा ले आओ। वो नहीं रही, मर चुकी है तुम्हारी शकीला, मर चुकी है। नहीं, वो आएगी वापस, वो वापस आएगी। वो तो मेरी खुशी थी जो मुझे रूठने के बाद मिली थी, मेरी मोहब्बत थी जो गुम होने के बाद मुझे मिली थी। वो कैसे गुम हो सकती है, कैसे गुम हो सकती है वो? शक सब कुछ खा जाता है। इतनी मोहब्बत करते थे उससे तो क्यों उसकी पाक दामनी पे शक किया था तुमने? क्यों? हाँ, मैंने मारा है उसे, मैंने शक ने मारा है उसे। लेकिन अब मैं खुद को भी मार डालूंगा, खुद भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा अपने आप को मैं। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने इस तरह मौत को अपने गले लगाया तो याद रखना जाज़ेब, शकीला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कयामत के दिन वो तुमसे सवाल पूछेगी, रोज़े महशर वो तुमसे नाराज होगी।
तुम अपनी जान इस तरह नहीं दे सकते। देखो मुझसे वादा करो कि तुम जिंदा रहोगे अपनी शकीला की खातिर, अपनी मोहब्बत की खातिर, वादा करो मुझसे। अब आप बेफिक्र हैं, आपके बेटे को अब कुछ नहीं होगा, ना यहां पुलिस आएगी ना वो गिरफ्तार होगा और ना ही अपने कमरे को नुकसान पहुंचाएगा। बस अब आप अपने बेटे को गले लगाकर खुश रहें। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मुझे फैसल कहते हैं। हाँ मगर आप यहाँ किसी काम से आए? मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे पहचानना जरूरी नहीं है, आप मुझे बताइए कि आप हैं कौन। आप ना तो हया हैं, ना साइमा है, ना ही उज्मा। आप? जी मैं आप बुड्ढो खाला मैं हूं। बुड्ढो खाला खाला आप पर इतनी क़यामतें गुजर गईं और हम सब बेखबर ही रहे। बस बेटा अल्लाह की मर्जी, इंसान तो बस ऊपर वाले की रजा में राजी हो जाता है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? खाला मेरी पोस्टिंग हो गई है यहाँ पे, अब मैं कराची में रहूंगा। चलो बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारी अम्मी अल्लाह बख्शे मेरी आपा थी तो सहारा था, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांट लिया करते थे। अब तो बस राहीला है और मैं हूं, एक दूसरे के आंसू साफ कर लेते हैं। अच्छा है। थैंक यू राहीला, आपने खाला का इतना ख्याल रखा। माँ और बेटी के साथ ये अल्फाज बहुत मस्नूई लगते हैं, क्योंकि अगर माँ ना हो तो औलाद तो कुछ भी नहीं है ना उसके बगैर। आप चाय पीजिए ना। बेटा तुम कराची आ ही गए हो तो इस घर को अपना ही घर समझो, आते जाते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लगता है मेरा आना सिर्फ आप ही को अच्छा लगा। वो इफ्तखार साहब नहीं आए? इफ्तखार साहब थोड़े बिजी थे, उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया।
जहाँजेब का मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने अदालत में जमा करवा कर जहाँजेब की जमानत कबल गिरफ्तारी करवा तो ली है, लेकिन कब तक? इसकी तो FIR भी कटी हुई। अंधेरे में एक चिराग जला तो है, हया पे जहाँजेब की सच्चाई का असर हुआ है, बहुत उम्मीद दिलाकर गई है, मगर कुट्टू जहाँजेब को बचाने के लिए सिर्फ अब एक ही रास्ता है। अगर हया यहाँ आई है तो उसका मतलब है कि उसे चचाई से प्यार है, अब दोबारा बात क्यों नहीं करती? हया अपनी माँ के पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी, वो बहुत फरमाबरदार बेटी है, लेकिन मुझे उम्मीद हया से ही है। मैं चाहूँगी, ज़रूर चाहूँगी, अपने बच्चों की खातिर चाहूँगी, अगर मुझे कुट्टू के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहिए। बस आप चाय पीजिए। जी। हया, तुम सच का साथ दो, अगर जहाँजेब और अदनान बेकसूर हैं तो उन्हें माफ़ कर दो। दूंगी तुम्हें सच का साथ ही, लेकिन अम्मी से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लूँगी। अच्छा आप ये बताइए कि अब आपका दर्द कैसा है? दर्द कब साथ छोड़ता है? तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम्हारे पर वैसे ही बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। ये जिम्मेदारियाँ मुझे बहुत प्यारी हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, मेरे रूम में कब शिफ्ट कर रही हो? अरे हाँ, अब तो आप काफ़ी बेहतर फील कर रही हैं। ऐसा करती हूँ, कल शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? लाइए। अच्छा अब आप मुझे डांटिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए सूप बना के ला रही हूँ। नहीं, मेरी खाला का घर है, आप मुझे ऐसे देख के हैरत ज़दा क्यों हो जाती? आपकी खाला मेरी अम्मी लगती है, मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है। सुना है फूल पौधों से प्यार करने वाले तो बड़े नरम मिजाज होते, मगर आप तो? मैं बद मिजाज हूँ, मगर उन लोगों के साथ जिनको बिला वजह ताने मारने का शौक है। अंदर है अम्मी। मैं तो बस ऐसे ही। खाला आप सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तंग कर रहे हो राहिला को? नहीं नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ। राहिला बेटा चाय लेकर आओ। आओ बेटा। ठीक है, आइए खाला। राहिला। अम्मी आप, मैं चाय ला ही रही थी बस। अच्छा ठीक है बेटा, तुम चाय ले आओ, लेकिन मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि वो फैसल खाना खा कर जाएगा, ऐसा करो तुम कोफ्ते बना लो, बहुत अच्छे बनाती हो कोफ्ते, ठीक है? ठीक है। हाँ, और ये अपना हुलिया भी दुरुस्त करो, मालन बनी फिर रही हो, कपड़े चेंज करो जाकर। क्या बुराई है इन कपड़ों में? मैंने कहा ना कपड़े बदलो, और ये अपने ज़रा बाल अच्छे से बनाओ, और सुनो ये थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लेना, ठीक है? और फिर आना तुम फैसल के सामने, ठीक है? चलो अभी चाय ले आओ तुम। बेटा हया का एहसान है हम पर कि वो हमें पूछने आ गई, बड़ी उम्मीद दिलाई है उसने हमें। आप अभी उस घर से उम्मीद बांध रही हैं? हाँ बेटा, मुझे अब भी उस घर से उम्मीद है, क्या करूँ मैं? हमने उस घर को दिया ही क्या है सवाए आंसुओं के? मैं गुड्डू के आंसुओं को अपना नसीब बनाऊंगी, मैं उस घर जरूर जाऊंगी एक बार, चाहे मेरे साथ कोई भी सलूक हो, मैं जाऊंगी जरूर। मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी गुड्डू आंटी का उतना ही मुजरिम हूँ। नहीं बेटा नहीं, खुदा खुदा करके अभी तुम्हारी तबीयत संभली,
जब तक डॉक्टर इजाजत नहीं दे तुम घर से बाहर कदम नहीं उठाओगे। तुम आराम करो, मैं सूप बना के लाती हूँ। आपने अदनान को खाना भिजवा दिया? हाँ बेटा भिजवा दिया था, तुम अदनान की फिक्र नहीं करो। फकीर जमानत की कोशिश कर रहे हैं, बस तुम आराम करो, मैं सूप लाती हूँ। लाए ना, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं भाई, तुम थक गई होगी। फैसल तुम्हारे खाने की बड़ी तारीफ कर रहा था, बड़ा अच्छा और नेक लड़का है, सुलझा हुआ जी, जॉब भी अच्छी। तुम्हें कैसा लगा जी? मैं देखती हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं खुद देखती हूँ। माजी, मुझे क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, जग्गू दादा को माफ कर दे। मेरी वजह से आपकी शकीला। शकीला का नाम भी अपनी जबान पर मत ला। मैं जानता हूँ कि जग्गू दादा इस काबिल नहीं कि शकीला का नाम भी अपनी जबान पर, लेकिन मैं तो आपसे माफी मांगने आपसे। तुम जानते हो शकीला जिंदगी भर तुमसे नफरत करती रही, मगर तुम्हारी दीवानगी ने उसकी जान ले ली। जानता है जगुदा, शकीला से नफरत करती थी, मगर मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि वो एक बार जग्गू दादा से इकरार मोहब्बत कर ले। और जब उसने इकरार मोहब्बत किया तो उसके शौहर ने सुन लिया, मगर मैं इकरार मोहब्बत चाहता था, चाहे जबरदस्ती से। अब क्या लेने आए हो? मैं आप लोगों से माफी मांगना है जग्गू दादा, आप लोगों से माफी मांगना है। मेरी वजह से आप लोगों पे कयामत टूटी, मेरी मोहब्बत की वजह से, सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, अपनी दुखी ममता के सदके, अपने प्यारे हबीब के सदके में जग्गू दादा को माफ। ठीक है, अपने हबीब के सदके में मैं माफ करती हूँ सबको। अपनी बेटियों का खून माफ करती हूँ। अम्मी पर मैं, तुम भी जग्गू दादा को माफ कर दो। माँ ने माफ कर दिया ना तो समझो अल्लाह ने माफ कर दिया, मगर खुदा के लिए आगे से किसी शकीला की जिंदगी बर्बाद मत करना। नहीं ऐसा कभी नहीं करेगा जग्गू, कभी नहीं करेगा। जग्गू आओ, रहीला पानी लेकर आओ। Thank you.
मैंने सबको माफ कर दिया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अपनी बेटियों का सुख मुझे देखने को कब मिला? ऐसा मत कहें अम्मी, आपकी मौजूदगी, आपकी खुशी, आपकी सूरत ही देख के तो हमें सुख मिलता। रानी बेटी राज करे।